एएम लैमिनेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने अभी देखा है, मैंने कम से कम 800 से 900 ml रेजिन लिया है। इसका प्रोसेस ऐसा है कि इसके ऊपर हम मैट डालने के बाद में लैमिनेशन डोर तैयार करने वाले, जिससे बबल हाई ग्लोसी डोर तैयार होने वाला है। अब मैंने थोड़ा सा रेजिन इसके अंदर डाल दिया है डोर के, फ्लश डोर के ऊपर, ताकि मैट जो है थोड़ी गीली हो जाए। अभी इसके आगे देखिए आप प्रोसेस कैसे चल रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। ये डोर जो है इसका साइज हमने 3.5 इंच बढ़ाया है। जहाँ पे इसका जॉइंट है वहाँ पे हम 100 की मैट की जो पट्टी आती है छोटी सी, उसको लगा के लेना है पहले से दोनों साइड से। जैसे कि आप वीडियो में आप देख रहे हो हमने कैसे लगाया, ताकि वहाँ से डोर बाद में फटे ना। ये 100 का मैट हम डाल रहे हैं इसके ऊपर। ये अभी हमने मैट बिछा दिया है, अभी रेजिन डाल के इसको पूरे चारों तरफ से इसको गीला कर देंगे। अब देखो हम कैसे कर रहे हैं। और ये जो मैट का जो डोर होता है इसकी भी डेंसिटी बढ़ जाती है, बाकी शायद अपने जो डायरेक्ट अपन लैमिनेशन करते हैं डोर पे, उससे उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि पेपर को भी अच्छा पकड़ लेता है और डोर को भी अच्छी तरह से उसको ग्रिप मिल जाती है, और इसका डोर की लाइफ भी बढ़ती है। अभी देखो हमने इसको पूरे अच्छी तरह से रेजिन को फैला लिया है। अभी हम इसको भी डिज़ाइन डालेंगे, एकदम अच्छी तरह से लगा लेना है, पूरा मैट गीला होना चाहिए। ये देखिए अभी हम इसको भी डिज़ाइन डाल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 700 ml के करीब मैंने माल लिया है और उसके अंदर हार्ड नट डाल दिया। अभी थोड़ी गर्मी चालू हो गई, इसके हिसाब से आप अपने केमिकल में कोबाल्ट और हार्ड नट हिसाब से ही डालिए, नहीं तो माल थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं अभी इसको अच्छी तरह से मिला के डोर पे डाल दूँगा।
आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।